हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल ऑफ़ यू। एक्चुअली ये जो नया चैनल है, इसका जो सोल पर्पज़ है वो है कि हम बाइक्स खरीदते हैं, लेकिन बाइक के साथ साथ उसके कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज़ भी होते हैं। जैसे सपोज़ करो आपने कोई बाइक ली, ठीक है, आपने ली कि आपने पावरफुल बाइक ली, आप उसकी पावर का यूज़ करोगे, लेकिन आप तो छोटे शहर में रहते हो जहाँ पे आपको 3 किलोमीटर रोज़ बाइक चलानी है, उसमें भी आपको 10 बार बाइक रोकनी पड़ती है, क्योंकि या तो कोई सामने आ जाता है, नहीं आता है तो आपको ब्रेक लगाना पड़ता है, क्योंकि आपके शहर में स्पीड ब्रेकर ज़्यादा हैं। उस केस में क्या होता है, उस केस में ज़्यादा कुछ नहीं, बस आप अपनी बाइक की पावर का यूज़ नहीं कर पाते, ठीक। ये तो हो गया एक प्रैक्टिकल इशू। दूसरा, आपने बाइक ली और आपने थोड़े टाइम बाद कुछ हो गया बाइक में, आप बाइक के सर्विस सेंटर गए, आपने कहा कि साहब मुझे तो इस बाइक में ये चीज़ ठीक करानी है, लेकिन बाइक वालों ने मना कर दिया, बोले 15 दिन लगेंगे। तो ये एक सेकंड मैटर है कि आपके पास बाइक है, आपके शहर में शोरूम भी है, लेकिन उसका सर्विस सेंटर प्रॉपरली काम नहीं करता, तो ये भी एक सेकेंडरी इशू हो गया, ठीक है। अब आते हैं थर्ड इशू। थर्ड इशू ये कि आपके पास बाइक भी है, आपके पास उसको चलाने के लिए शहर भी है, लेकिन आपके पास फुर्सत ही नहीं है, ठीक है। आप साल भर में एक बार 15 दिन की राइड पे जाते हो, फिर बाकी के 350 दिन भाई डेली कम्यूटिंग, उसके लिए आप अपनी बाइक क्या यूज़ करोगे? ज़्यादा पावर की बाइक लोगे तो यूज़ ही नहीं कर पाओगे, कम पावर की बाइक लोगे तो यूज़ कर पाओगे, लेकिन जो आपकी एनुअल राइड है उसमें आप परेशान होगे। तो ये सब कुछ प्रैक्टिकल इशूज़ हैं, तो उन सब प्रैक्टिकल इशूज़ को डिस्कस करने के लिए वी विल have a new platform. That new platform is Practical Biker, right? अब इस पर एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए आपने एक नई बाइक ली, ठीक है, आपने सोचा कि आप उस बाइक को हर जगह लेकर जाएंगे। हर बाइक हर जगह जाती है? नहीं, तो हर टेरेन के लिए एक डिफरेंट चीज़ होती है। अब जैसे मैं एक पहले छोटे शहर में रहता था, ठीक, अब उस छोटे शहर में मुझे ज़्यादा बाइक भी नहीं चलानी थी, मुझे फ्यूल एफिशिएंसी का भी थोड़ा ध्यान रखना था, तो मैंने एक बाइक ली जो कि मेरी चॉइस के हिसाब से बेस्ट थी, वो है पल्सर, ठीक है। अब पल्सर में क्या है, पल्सर की एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि पल्सर फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी देती है, ठीक है, इसके सर्विस सेंटर हर सिटी में मिल जाते हैं। अब इसके जो सर्विस सेंटर्स हैं वो कहीं पर अच्छे हैं, कहीं पर अच्छे नहीं भी हैं। अब मुझे एक नई बाइक अपग्रेड करनी है, लेकिन मेरा मन आता है मोजो पे, अब मोजो का सर्विस सेंटर अवेलेबल नहीं है, तो अब इस सर्विस सेंटर के लिए परेशान होना पड़ेगा। सपोज़ करो मैंने बाइक ले ली, मुझे मोजो का सर्विस सेंटर ही नहीं मिल रहा प्रॉपर, फिर अब जैसे ये मेरी कार, ठीक, इसको खरीदने से पहले भी 1000 बार सोचना पड़ता है कि मारुति लूँ तो क्यों लूँ, छोटे शहर में रहता हूँ मारुति ले ली तो सर्विस सेंटर मिल जाएगा, बड़े शहर में जाता हूँ तो मारुति के अलावा कुछ और प्रैक्टिकल चॉइसेस दिमाग में आती हैं कि हम फॉक्स वैगन ले सकते हैं या अदर ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके शहर में सर्विस सेंटर नहीं है बॉस, तो यू आर इन बिग ट्रबल, परेशान हो जाओगे। तो बस यही सब छोटी मोटी चीज़ें, इन्हीं सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, और सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक एंड शेयर, एंड कुछ नेगेटिव्स कुछ पॉजिटिव्स जो भी मन में आया सब लिख दो, we will handle everything. Thank you. Bye bye. Have a safe ride.